सब बच्चों ने बहुत मिलजुल के पार्टिसिपेशन करी और इस एनुअल डे की खासियत ये थी कि पूरी इंडिया के एरियाज़ के बारे में और मॉडर्न जो आजकल चल रहा है उस सब के बारे में अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ, अच्छे गाने गाए गए और ये एनुअल डे ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया के किसी भी नॉर्मल एरिया में नॉर्मल जगह एक एनुअल डे हो रहा है जैसे होना चाहिए। और अच्छी बात एक और थी कि बच्चों ने और उनके माता पिता ने बड़ी खुशी से इसको पार्टिसिपेट किया और हम इसको कंडक्ट करने में बड़े खुश थे। जी ब्रिगेड साहब, यह है कि अभी आपने मेहरबानी कर पूरे स्कूल्स के प्लान है ट्वेल्थ तक जाने का, बट उसको देखा जा रहा है क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। ट्वेल्थ में जाने के लिए हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो अच्छा होना चाहिए तभी ट्वेल्थ में जाना चाहिए। हमारे को टीचर्स अच्छे होने पड़ेंगे जो इलेवन ट्वेल्थ के लिए पढ़ा सकें और साथ ही साथ बच्चे भी हमारे साथ होने चाहिए, इतने बच्चे आए स्कूल में। तो इसका प्लान बन रहा है और धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा अगले एक दो साल में देखते हैं कैसा होगा। प्लान है अभी तो ऐसा है, बट सर ऐसा है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी भी देखनी पड़ती है हमारे को। हम ये नहीं चाहते कि हम एक क्लास स्टार्ट करें फिर हम उनको अच्छी तरह पढ़ा ना पाए और अच्छी शिक्षा ना दें जिससे आगे वो लोगों से पीछे रह जाए। तो हम करेंगे, ये करने का प्लान है, पर पूरा अच्छी तरह स्टडी करके ताकि हमारे पास अच्छे टीचर्स हों, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हों और बच्चे हों जो जिन मतलब अधिकतर बच्चे तो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे के साइंस की लैब होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए और हम ये करने का पूरा प्लान है, बट समय लग सकता है वो कुछ स्कूल का।